इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने निकालनी हो और हमें कर्व की इक्वेशन गिवन हो और साथ में पॉइंट गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशन नॉर्मल होता क्या है। ये हमारे पास अगर कर्व है तो ऐसी लाइन जो इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करे उसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब इस लाइन जो टेंजेंट है इसके साथ कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए टेंजेंट के साथ, एक ही पॉइंट पर इसको टच कर रहा है और उसी पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन गुजरे तो उस लाइन को कहते हैं नॉर्मल टू द टेंजेंट। ठीक है, उस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही। अब वो जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के भी नॉर्मल है और उस पॉइंट पर भी नॉर्मल है जो कर्व को टच कर रहा है। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कर्व को एक पॉइंट पर जो टच करती है लाइन वो होती है टेंजेंट और उस लाइन पर उसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन गुजरे तो उसको नॉर्मल टू द टेंजेंट और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन दैट कर्व कहते हैं। ठीक है, तो हमने निकालनी है फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व जिसकी इक्वेशन गिवन है एट द पॉइंट। अब वो पॉइंट 2, 3 हमें पता है। अब एक बार याद रखें, दो लाइनें अगर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हों तो M1 M2 जो कि दोनों की स्लोप है उनका प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू -1 होगा। ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, यानी कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर टच करती हैं दैन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये अगर हमें रूल का पता है, ये इक्वेशन का हमें पता है तो इस इक्वेशन की मदद से हम आसानी के साथ उसका स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप को -1/M1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल की स्लोप बन जाएगी और वहीं से हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल लेंगे। क्लियर हो गई बात। अब ये जो इक्वेशन मैंने बताई है M1 M2 = -1 ये जहन में रखनी है। अब हम चलते हैं जो हमें y = x²-2x+3 हमें इक्वेशन दी हुई है उसका मैं डेरिवेटिव दोनों साइड पर लूँगी। मैं अप्लाई कर रही हूँ d/dx ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड पर dy/dx हो गया और इस साइड पर देखें d/dx अप्लाई हो रहा है, हर एक टर्म पर अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको d/dx को 1 टाइम लिखूँगी और इक्वेशन को पैंथेसिस में लिख दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हर एक के ऊपर d/dx अप्लाई करूँगी और आगे उसका आंसर लिखूँगी। ये आंसर आपके सामने आ गया। अब जो dy/dx है वो आपके पास स्लोप हो गई है, m हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट 2, 3 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उसको रिप्लेस कर दे 2 के साथ क्योंकि हमारे पास पॉइंट में x की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी, इसको हम 1 का नेम दे दें। dy/dx हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब हमने पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो 2, 3 है। ये इक्वेशन के मुताबिक हमने चूँकि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है तो उसकी स्लोप होती है -1/m जो भी आपने निकाली। ये तो इक्वेशन ऑफ dy/dx तो टेंजेंट का हो गया ना। अब ये वाला जो हमने फार्मूला है ये हमने यूज़ करना है उस वाले इक्वेशन ऑफ लाइन में। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे देगी। हमें y-y1 = -1/m1 x-x1 में इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगी। x1 y1 जो है वो 2, 3 है, आपको पहले पता है लाइन का पॉइंट दिया हुआ है, उसकी जस्ट वैल्यू पुट करें और जो स्लोप निकाली है उसको -1/2 कर दें क्योंकि हमने स्लोप 2 निकाल लिया है। y1 x1 की वैल्यू पुट की 3 और 2, फिर इक्वेशन हम सिंपलीफाई करके y की फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे। x+2y-8 = 0 इस तरह करके लिख रहे हैं जैसे आपने लिखना है तो इक्वेशन की एक फॉर्म बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गई है टू द कर्व जो कि कर्व की इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट हमें दिया हुआ है।
और तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल होता क्या है टेंजेंट पर या उसके पॉइंट पर। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में जहाँ एम लिखना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अगर पूछे तो यहाँ -1/m लिख देना है, प्रोसीजर दोनों में सेम है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अपने जहन में रखना है, x1 y1 हमें गिवन होगा, तो इस तरीके से आप इजीली इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल लेंगे अगर कर्व की इक्वेशन गिवन हो और पॉइंट गिवन हो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।